हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि ये वीडियो आपसे जुड़ी हुई है। आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं के पॉप को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे। अनीता कुमारी यहां पर लिखती हैं, सर आई हैव वन स्मॉल लैग सो कैन आई अप्लाई। देखो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है बिकॉज आपका एक लैग छोटा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अब ऐसा नहीं कि यार आप के पॉप में अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप और कुछ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ये एक तरह से वही बात हुई जिसके जिसको जो देख नहीं सकता, अगर उसको पायलट की जॉब दी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो देख नहीं सकता वो और कुछ नहीं कर सकता। तो आपको राइट पाथ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी गलत रास्ता, इसी चीज़ को गाइस गलत रास्ता बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सर आई हैव वन स्मॉल लैग तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, नहीं, ये रास्ता फिर आपके लिए नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी किसी और फील्ड में कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ी रूड लगी होगी, लेकिन ये चैनल जाना इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल जो राइट है, जो सच है, वही आपके सामने रखते हैं। अब इसमें लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि इसमें कुछ हम आपको शुगर कोटेड बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी अब आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा इस चीज़ को ले सकते हैं। मेगा राजपूत यहाँ पर लिखते हैं, क्या पाकिस्तान से भी ऑडिशन दिए जा सकते हैं? तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो बिल्कुल ऑडिशन दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। कि केपॉप हर कंट्री के लिए है, कुछ कंट्रियों को छोड़कर। तो अगर आप पाकिस्तान से, तो ये ज़रूर सिलेक्ट करिए कि आपकी कंट्री का नाम आ रहा है या फिर नहीं। जिन ऑडिशन फॉर्म में कंट्रीज़ के नाम नहीं आते आपके, तो फिर उन ऑडिशंस में आप नहीं जा सकते। नाजिम अहमद यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम अपना ऑडिशन फॉर्म फिल करते हैं, उसके लिए हमको ये लोग कोरिया बुलाते हैं, तो जो फ़्लाइट और जो टिकट का पैसा होता है वो कौन कराता है? तो सिंपल सी बात है, ये ऑडिशन के लिए आपको बुलाते हैं तो जो फ़्लाइट का जो पैसा होगा, जो कॉस्टिंग होगी, वो आपको खुद ही पे करनी होगी। और जो फ़्लाइट की कॉस्टिंग है वो हर शेड्यूल के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर फेस्टिवल सीज़न में अगर आपको बुलाया जा रहा है, आपने फॉर्म फेस्टिवल सीज़न में रखा है, तो उसकी टिकट का जो प्राइस है 50,000 वन वे का हो जाता है। वहीं अगर आप नॉन फेस्टिवल सीज़न में जाते हैं तो फिर उसका प्राइस 30,000 के आसपास भी आ जाता है। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम बुक कर रहे हैं, कौन सी क्लास आप बुक कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। 50,000 से ज़्यादा आपका वन वे का नहीं लगता। वन वे यानी कि जाने जाने का टिकट 50,000 का लगता है। जाने आने का टोटल किया जाए तो 80-90,000 में आपका पूरा ट्रैवल हो जाएगा। कहने का मतलब ये, बाकी गाइस जो कंपनियां हैं वो टिकट का पैसा इसलिए नहीं देती क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑफर किया जाता है कि आपको कोरिया आना है ऑडिशन के लिए, लेकिन सभी लोग सिलेक्ट हों ये होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी ये पैसा आपको नहीं देती टिकट का, क्योंकि उनको ही पता है कि हम बहुत सारे लोगों को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपकी वो टिकट बुक कराते हैं, बाई चांस आप नहीं आते, तो कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, ये के पॉप आर्टिस्ट इसलिए क्रिएट करती हैं ताकि वो खूब सारा पैसा बना सकें, क्योंकि कंपनी चलती है पैसे कमाने के बेसिस पे, इनका एक बिज़नेस होता है। और बिज़नेस में अगर लॉस हो इस तरह का, तो फिर वो कंपनी किसी काम की नहीं होती, आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए कंपनी इस तरह के एक्सपेंस तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पसंद करेगी। सलीम हुसैन यहाँ पर लिखते हैं कि सर वाईजी एंटरटेनमेंट के जो ऑनलाइन ऑडिशन है वो कब निकलेंगे, हमें बता दीजिए। जो वाईजी एंटरटेनमेंट है, बिग हिट एंटरटेनमेंट है, जेवाईपी एंटरटेनमेंट है, इनके मंथली ऑडिशंस निकलते हैं। तो फिर मोस्टली डेट 15 से 18 के बिटवीन में होती है, तो जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। लीजा यहाँ पर लिखती हैं कि सर मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकती? बिल्कुल, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। बट यहाँ पर सवाल ये आता है कि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, कोई भी केपॉप का जो फॉर्म होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर बस यही आता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होते या फिर जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे किसी और मेंबर्स की फ़ोटो लगी होती है, उनके पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं होते, उनकी वीडियोज़ नहीं होती, तो फिर कहीं ना कहीं उनके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, आपकी कोई ब्यूटी है,
तो वो अगर आप नहीं दिखा रहे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है, आप जो करियर चूज़ कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। आप जो करियर चूज़ कर रहे हैं ये सेलिब्रिटी से रिलेटेड है, और सेलिब्रिटी की जो पहचान है वो सोशल मीडिया से ही बनती है, वो उसके फोटोग्राफ्स वीडियोस से ही बनती है। और आप चाहते हैं कि हम बिना इंस्टाग्राम यूज़ करें, बिना फेसबुक या बिना यूट्यूब को यूज़ करें, अपनी कोई आइडेंटिटी बताए, अपनी फ़ोटो बिना कहीं शेयर किए हम एक केपॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल बात आप कह रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा साफ है कि आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सोशली हो जाओगे। जब आप अपने आप को सोशली रिप्रेजेंट करने लगते तभी आप इस तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। ईशा यहाँ पर लिखते हैं कि प्लीज़ सर रिप्लाई करो कि कौन केपॉप आइडल नहीं बन सकता। देखो, केपॉप आइडल वो लोग नहीं बन सकते जो थोड़े शाय होते हैं, जो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, वो केपॉप आइडल नहीं बन सकते। अगर आपको केपॉप आइडल बनना है तो आपको बिल्कुल फ्री रहना है, यानी खुलना है जितना आप खुल सकते हो। अपने यूनिक स्टेप, यूनिक डांसिंग स्टाइल, यूनिक फैशन आपको चूज़ करना होगा, तभी आप केपॉप आइडल बन सकते हैं। नॉर्मल बॉय हैं, नॉर्मल गर्ल हैं, एक सिंपल लाइफ है आपकी, या आप सिंपल सोच रखते हैं अपनी, तो फिर मुश्किल है चांसेस कि आप एक केपॉप आइडल बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई नॉर्मल रहना या सिंपल रहना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रहना, सिंपल रहना बहुत अच्छा है, बट अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो फिर नॉर्मल रहने से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल भी मत समझना मेरी बातों से कि मैं, जो लोग नॉर्मल रहते हैं, जो लोग सिंपल रहते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, वो बेकार होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप केपॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो नॉर्मल सिंपल रहने से बात नहीं बनेगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, या इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, फेसबुक पे आओ, कहीं पे भी आओ, आपको आना पड़ेगा, अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ को डालना पड़ेगा। आपके थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर फॉलोवर्स होने चाहिए जो आपको पसंद करें, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये चीज़ देखती भी है इंडस्ट्री, आपने देखा होगा, बेबी मॉन्स्टर के बारे में बताता रहता हूँ यहाँ पर, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया है, यानी कुछ ना कुछ है वो, या कोई मॉडल है, या कोई आर्टिस्ट है, या कोई सिंगर है, या किसी ने किसी और एपिसोड्स में काम किया है, टेलीविज़न पर काम किया है, कुछ ना कुछ है वो, इसीलिए वो आज इस इंडस्ट्री में जा पाए हैं। तो आपको भी ये प्रूफ करना होगा कि मेरे पास ये चीज़ है, ताकि वो इंडस्ट्री आपको बुला सके। कहने का मतलब मेरा यही है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें ये बता दो कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, कैसे हम अपने फॉलोवर्स बढ़ाएं, कैसे ब्रांड के तौर पे ग्रो करें, ऐसे तो कोई भी फॉलोवर बढ़ा लेता है कुछ भी वीडियोस डाल के। अपनी वीडियोस और अपने फ़ोटोज़ डालकर अगर आप 1000 फॉलोवर भी लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो 1000 फॉलोवर हैं वो आपको देखने आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बता रहे हो इंस्टाग्राम पे क्या ग्रो करें, हम तो 4-5 वीडियोस डालेंगे BTS के किसी मेंबर की, लोग अपने आप हमें फॉलो करने लगेंगे, हमारे तो अपने आप बढ़ जाते हैं। और गर्ल्स का भी यही है, बॉयज़ का भी सेम यही कंसेप्ट है। तो गाइज़, वो आपको देखने नहीं आते, ना ही आपके पेज को देखने आते हैं, वो देखने आते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी फेमस हैं, BTS के मेंबर्स की आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाते हो इंस्टाग्राम पे, तो वो उनको देखने आते हैं। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी कहाँ है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 500 भी फॉलोवर्स होते हैं जो सिर्फ आपको देखने आते हैं, आपकी फ़ोटोज़ आपकी वीडियोज़ को देखने आते हैं, तो वो हैं असली फ़ैन बेस। तो यही चीज़ आपको क्रिएट करनी है। वो मैटर नहीं करता कि आपके पास 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 है, लेकिन वो होने आपके ही चाहिए। इस चीज़ के ऊपर अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, ताकि हम इंस्टाग्राम के बारे में भी और डीप में बात कर सकें, और भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं और कुछ कमेंट्स को लेकर। यहाँ पर ब्रॉक BTS ये लिखते हैं कि सर जो वीज़ा होता है कोरिया में जाने का, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। देखो, मैं वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कितना खर्चा है, कैसे जाना है, क्या करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पर ब्रॉक BTS ये लिखते हैं कि जो वीज़ा होता है उसका प्रोसेस बता दो।
तो वीज़ा के ऊपर जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बताऊँगा कि भाई वीज़ा कैसे लेना है कोरिया का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिकली आपका वीज़ा लगेगा भी या नहीं लगेगा, एज क्या मैटर करती है नहीं करती वीज़ा में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीज़ा लेने के लिए कितने पैसा लगेगा, क्योंकि वो तो टिकट का पैसा है, लेकिन वीज़ा के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो चीज़ भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कि वीडियो कल आए परसों आए, लेकिन मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बात करते हैं। मंजरी यहाँ पर लिखती है कि भैया मैं अभी 11 साल की हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? और मेरा क्वेश्चन ये भी है, क्या मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे क्या स्टडी को गुड बाय बोलना पड़ेगा? आपकी जो स्टडी है, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपके लिए किसी काम की नहीं रहेगी अगर आप केपॉप आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो केपॉप आर्टिस्ट के 4-5 ही काम होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ब्रांड वैल्यू, प्रमोशन, मेकअप और अपनी फिटनेस। ये 4-5 काम होते हैं, स्टडी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं रहता। कुछ लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, जैसे इंग्लिश, कोरियन, जापानीज़ और कोई मल्टीपल लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो वो आप सीख सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा साफ है, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड के बाद निकाल दिए जाते हैं तो फिर से आप स्टडी कर सकते हैं। और 11 ईयर्स ओल्ड काफ़ी अच्छी एज है जिसमें आप अपना ये करियर शुरू कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप देखो यार, करियर में तो ये है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पास नहीं हुए, तो आपके पास दूसरे रास्ते होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप यही सोच के बैठोगे कि मेरे को तो सिर्फ केपॉप आर्टिस्ट ही बनना है, तो शायद जो चांसेस हैं बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है केपॉप इंडस्ट्री की। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे जर्नेशंस के जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि आप उनसे कंपटीशन में हार जाओ। इसीलिए आपके पास 2-3 रास्ते होने चाहिए। अगर आप ये नहीं बन पाए तो ये कर लोगे, ये नहीं बन पाए तो ये कर लोगे। अब वो वाला टाइम चला गया कि आप एक ही टारगेट को फोकस करके उस पर लगे रहो तो सक्सेस मिल जाएगी। नहीं गाइज, जो भी जेन जी जनरेशन आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ पर आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से टाइम बदल रहा है, उस तरह से आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको मल्टीपल रास्ते आपके खुले होने चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं होता तो मैं ये कर लूँगा। इस तरह से आपको फोकस करना है। दूसरा, अब जैसे आप केपॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको डांसिंग आनी चाहिए, आपको सिंगिंग भी आनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से एक में आपको परफेक्ट होना है। आपको फैशन आना चाहिए, आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन भी आप कर सकते हो जो कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। ये सब कुछ तो आपको आना चाहिए। मैं इधर गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, बॉयज़ गर्ल्स दोनों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोनों के लिए ये कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्या फूड आप गेन कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं केपॉप आर्टिस्ट के लिए हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में भी काम आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बाय चांस आप केपॉप आर्टिस्ट नहीं बनते, लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पर आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपके 20,000 फॉलोवर्स होते हैं, 100,000 फॉलोवर्स होते हैं, या फिर 1,000,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं धीरे धीरे, जो कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल होना ईजी है क्योंकि आपकी मेहनत रहेगी। 1,000,000 फॉलोवर होने के बाद आपके पास ब्रांड वैल्यूज़ आने लगती हैं, आपकी खुद की ब्रांड हो जाती है, आपको लोग स्पॉन्सर करते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसा आने लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहेगा कि भाई आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप केपॉप आर्टिस्ट नहीं बन पाए तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपको लाखों पैसे कमा कर देने लगेगा अगर आपके 1,000,000 फॉलोवर हो गए। तो एक तीर से दो निशाने होने वाली बातें हो गई ये। जैसे आप तो तैयारी कर रहे थे केपॉप आर्टिस्ट की, बाय चांस आप नहीं बन पाए तो फिर आपका जो इंस्टाग्राम चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करो, यही सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें कुछ खास मैंने बताया नहीं है, सिर्फ आपके कमेंट्स के आंसर्स किए हैं। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।